हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। आप देखेंगे मेरे सामने में एक पीडीएफ है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जा रही है आर्टिकलशिप असिस्टेंट की। लीव की हम बात करेंगे कि अगर आपको छुट्टियाँ कैलकुलेट करनी है आपकी आर्टिकलशिप में तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आर्टिकलशिप करना चाहते हैं या आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिले और वो भी इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान पाए। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है, दिस इज 59, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन आर्टिकल असिस्टेंट शैल अर्न लीव एट द रेट ऑफ 1/6 ऑफ पीरियड एक्चुअली सर्व्ड। पीरियड एक्चुअली सर्व्ड का मतलब क्या, जो कि आपकी छुट्टियाँ हैं ऑफिस में, जैसे कि संडे हो गई या कोई ऐसे ही हॉलीडे हो गई, उसको छोड़ करके जो भी एक्चुअल पीरियड आप सर्व करेंगे उसको आपको ले करके डिवाइड बाई 6 कर देना है। तो वो हो गई आपकी छुट्टियाँ, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम एक नंबर यहाँ पे इम्पोज कर रखा है, दिस इज 156, मींस 156 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ आप नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको और भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। तो यहाँ पे जैसे कि 365 डेज हैं, 365 डेज आपके हैं, 3 ईयर्स की आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 1095 डेज आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसमें संडेज निकाल देने हैं, जैसे कि संडे अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, तो संडे टोटल कितने हो जाएंगे, एक साल में कितने संडे हो सकते हैं, 52 या 53 संडेज अगर हम बात करें, या जो भी आपके हॉलीडेज हैं हफ्ते में एक दिन की जो छुट्टी मिलती होगी वो, तो यहाँ पे 52 या 53 संडेज होते होंगे। अगर हम कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली 52 मल्टीप्लाइड बाई 3 साल में आपको कितने संडेज होंगे, ये होंगे 156। अगर आप कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3 तो यहाँ पे 156 आ जाएंगे। नाउ इसको हम माइनस कर देते हैं, मीन्स जो आपकी 1095 3 साल में जो टोटल डेज हैं, 1095 माइनस 156, आई थिंक की हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही ख़राब हैंडराइटिंग है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1095 माइनस 156 तो यहाँ पे आ जाएगा 939। ये आपकी जो एक्चुअल पीरियड सर्व हैं, मीन्स आपको जो छुट्टियाँ हैं संडेज को हमने निकाल दिया और इसके बाद 939 डेज आपके बच गए। अभी ये जो 939 डेज हैं, 939 डेज डिवाइडेड बाई 6 कर देना है, क्योंकि ये हैं आपके एक्चुअल पीरियड सर्व। यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भी आपकी छुट्टियाँ हैं, जैसे कि कोई गजटेड हॉलीडेज हैं या कोई ऐसे छुट्टियाँ पड़ती हैं जिसमें कि आपके ऑफिस में छुट्टी होती है, उसको भी आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 156 ले रखा है, 156 डेज जो कि आपके संडेज हैं, बाकी इसमें और भी चीज़ें माइनस हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ें अगर आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं और इसको सिंपली डिवाइड कर देना है 6 से। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका कैलकुलेशन है, जो आपका आंसर है, वो आएगा अगेन 156.5। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम छुट्टियाँ आप ले सकते हैं, दिस इज़ 156 लीव मैक्सिमम, जैसे कि मैंने आपको इस पीडीएफ में दिखाया था कि जो मैक्सिमम है दिस इज़ 156, तो मैक्सिमम आप 156 छुट्टियाँ ले सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपकी छुट्टियाँ हैं, इस तरीके से छुट्टियों की आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको शायद पता नहीं होंगी और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में गिवन है, तो मैं आपको एक बार ज़रूर इसका गो थ्रू कर देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट द आर्टिकल असिस्टेंट शैल बी ग्रांटेड लीव फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे अगर आपको पेपर के लिए तैयारी करनी है, सीए एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो आपको 3 महीने की छुट्टियाँ यहाँ पे दी जाएंगी। शैल बी ग्रांटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, शैल बी ग्रांटेड 3 महीने की छुट्टियाँ दी जाएंगी टू द एक्सटेंट ऑफ लीव ड्यू। अगर मान लीजिए कि आपके पास में 30 और छुट्टियाँ बची हुई हैं, 30 लीव्स आपके पास में बची हुई हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे 1/6 से डिवाइड करके आपके पास में 30 डेज की छुट्टियाँ बची हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 महीने की छुट्टियाँ ग्रांट की जाती हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे जो भी लेस होगा, विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे 30 डेज की छुट्टी आपको ग्रांट की जाएंगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम 15 दिन पहले आपको जो एम्प्लॉयर हैं आपको उनको बताना पड़ेगा, जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको कम से कम 15 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। तो ये रूल्स हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि द डेज ऑन विच आर्टिकल असिस्टेंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग इंटरवीनिंग हॉलीडेज। इंटरवीनिंग हॉलीडेज का मतलब क्या है कि जैसे जो पेपर के बीच में छुट्टियाँ होती हैं वो छुट्टियाँ, इंक्लूडिंग इंटरवीनिंग हॉलीडेज, तो वो छुट्टियाँ होती हैं, वो भी कैलकुलेट होती हैं, तो वो भी एक्चुअल पीरियड सर्व में ही इसको काउंट करा जाएगा। सो आर काउंटेड एज अ पीरियड एक्चुअली सर्व्ड अंडर आर्टिकल्स, तो ये भी चीज़ें आपको काउंट कर लेनी है। देन इलस्ट्रेशंस कुछ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अटेंडेंस बाई एन आर्टिकल असिस्टेंट विद द कंसेंट, यहाँ पे देखेंगे विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की कंसेंट जरूरी है इस पॉइंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूडिंग जीएमसीएस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज बाई द इंस्टीट्यूट। तो अगर इंस्टीट्यूट कोई जीएमसीएस कराता है या कोई ऐसा सेमिनार्स कराता है
या कोई ऐसे कोई रीजनल काउंसिल के प्रोग्राम्स हो गए, या कोई स्टूडेंट एसोसिएशंस हो गए, या कोई ब्रांच हो गया, या कोई ऐसे कोई और भी चीज़ें हैं जिससे कि आर्टिकल असिस्टेंट को उससे बेनिफिट मिले, तो ये भी ट्रीट की जाएंगी एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एज पीरियड एक्चुअली सर्व्ड। इसको भी एक्चुअली पीरियड सर्व में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल का कंसेंट होना चाहिए। नाउ इसके बाद द प्रिंसिपल शैल ऑल्सो एनकरेज आर्टिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एक्सेट्रा रिलेवेंट टू द CA कोर्स। तो यहाँ पे मोस्टली ऐसी चीज़ें होती नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल हैं उनको एनकरेज करना ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी आर्टिकल असिस्टेंट हैं उनको एनकरेज करना, ये सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए एनकरेज करना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे इसके बाद का जो पॉइंट है, द डिटेल्स ऑफ द सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेड बाई द आर्टिकल असिस्टेंट शुड बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द डायरी समरी। तो यहाँ पे जो भी आपने सेमिनार्स यहाँ पे इस पॉइंट में अटेंड कर रखा है, जो कि विथ कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल था, इसकी एक आपको डायरी समरी बना करके और इंस्टीट्यूट में सबमिट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन आर्टिकल असिस्टेंट हु टेक्स लीव इन एक्सेस ऑफ द लीव विच ही और शी इज एंटाइटल्ड इज रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर फर्दर पीरियड इक्विवेलेंट टू द एक्सेस लीव टेकन बाय हिम और हर। तो अगर आपने छुट्टियां कुछ ज़्यादा ले रखी हैं तो आपको 3 साल के बाद भी जितनी आपकी छुट्टियां आपने एक्स्ट्रा ले रखी हैं तो वो छुट्टियां आपको सर्व करनी पड़ेंगी। मीन्स जैसे कि 1 महीने की आपकी जो सर्विस है, 30 डेज की जो आर्टिकलशिप आपकी है वो बची हुई है, तो वो भी आपको 3 साल के बाद आपको सर्व करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद का जो पॉइंट है, लीव नॉट अर्नड, अगर मान लीजिए कि छुट्टियाँ बच गई, आपके 3 साल कंप्लीट हो गए लेकिन आपकी छुट्टियाँ बच गई हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं उनको छुट्टियाँ ग्रांट करनी पड़ेंगी। मतलब कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं ले रखी हैं और आपकी छुट्टियाँ बच जाएंगी, आपकी जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है 3 साल से पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो भी आपकी एक्सेस लीव है वो प्रिंसिपल को ग्रांट करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, जो आपकी छुट्टियाँ हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल पीरियड सर्व है टुगेदर विद द लीव ड्यू, आपकी जितनी छुट्टियाँ बच रखी हैं और यहाँ पे जो आपने एक्चुअली पीरियड कितना सर्व कर रखा है, वो दोनों को ऐड करना है और इसको डिवाइड कर देना है 7 से। तो 1/7 ऑफ एक्चुअल पीरियड सर्व प्लस लीव ड्यू, तो ये चीज़ें आपको करनी है और इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको आर्टिकलशिप अगर आपको लीव कैलकुलेट करनी है तो। और आई थिंक ये लगभग सब कुछ मैंने बता दिया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल पाए। प्लस साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी ऐसे अपडेट्स हैं, आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।